हेलो एवरी वन सो आर टुडेज टॉपिक इज ईशा गोज टू स्कूल ईशा स्कूल जाती है ऑफ क्लास फर्स्ट इंग्लिश फ्रॉम बुक चेरी सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वार्म अप येस और नो गिव वन रीज़न फॉर ईच आंसर आई लाइक गोइंग टू स्कूल मुझे स्कूल जाना पसंद है हाँ या ना आपको जो भी पसंद है आप उस पर टिक कर सकते हैं आई हैव फ्रेंड्स इन स्कूल मेरे स्कूल में दोस्त हैं हाँ या ना i go to school by school bus मैं स्कूल स्कूल बस से जाती हूँ. हाँ या ना लेट्स मूव ऑन डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट डे इन स्कूल क्या आपको आपके स्कूल का पहला दिन याद है हाउ वाज इट वो कैसा था लेट अस रीड एंड फाइंड आउट हाउ ईशा स्पेंट हर फर्स्ट डे इन स्कूल चलिए पढ़ते हैं और खोजते हैं कि ईशा ने अपने स्कूल में पहला दिन कैसे व्यतीत किया मैक्सिमम टाइम्स जब छोटे छोटे बच्चे पहले दिन स्कूल जाते हैं तो वो बहुत रोते हैं चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि ईशा रोते हुए स्कूल गई या फिर उसको स्कूल में मज़ा आया ईशा इज़ वेरी हैप्पी टुडे ईशा आज बहुत खुश है इट इज़ हर फर्स्ट डे इन स्कूल आज उसका स्कूल में पहला दिन है ईशा वियर्स हर न्यू स्कूल यूनिफॉर्म एंड शूज़ ईशा अपने स्कूल की नई वर्दी यानी यूनिफॉर्म और शूज़ यानी जूते पहनती है द स्कूल बस इज़ वेटिंग स्कूल बस इंतज़ार कर रही है ईशा हक्स हर मदर थैंक यू मम्मी ईशा अपने माँ के गले लगती है और कहती है शुक्रिया मम्मी ईशा इंजॉय हर बस राइड इंजॉय होता है मज़ा लेना बस राइड होती है बस की सवारी तो ईशा बस की सवारी का बहुत ही ज्यादा मज़ा लेती है शी मेक्स अ न्यू फ्रेंड वो एक नई दोस्त बनाती है हर नेम इज वर्षा उसका नाम वर्षा होता है ईशा गोज टू हर क्लास रूम ईशा अपने क्लास रूम में जाती है शी शीट डाउन नेक्स्ट टू अ गर्ल वो एक लड़की के साथ में बैठती है हेलो आई एम ईशा हेलो मैं ईशा हूँ वॉट इज योर नेम आपका नाम क्या है आई एम निधि मेरा नाम निधि है सेज द गर्ल विद अ स्माइल लड़की स्माइल के साथ मुस्कुराते हुए कहती है द टीचर एंटर्स द क्लास रूम एंटर्स होता है अंदर आना अंदर प्रवेश करना टीचर अंदर आती है क्लास के गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन आई एम रुचि योर क्लास टीचर मेरा नाम रुचि है मैं आपकी क्लास टीचर हूँ प्लीज टेल मी योर नेम्स शी सेस विद अ स्माइल वो टीचर स्माइल के साथ कहती है प्लीज मुझे अपने अपने नाम बताए द चिल्ड्रेन सिंग टुगेदर बच्चे साथ में राइम, यानी पोयम गाते हैं दे लर्न काउंटिंग एंड प्ले सम गेम्स वो काउंटिंग यानी वन टू सीखते हैं साथ में साथ ही मिलकर कुछ गेम्स भी खेलते हैं आफ्टर लंच ऑल द चिल्ड्रेन गो टू प्ले एंड राइड द स्विंग्स लंच करने के बाद सभी बच्चे खेलने के लिए जाते हैं और स्विंग्स यानी झूले भी लेते हैं इन द आफ्टरनून दे लर्न टू ड्रॉ दोपहर को वो ड्रॉ यानी कुछ ड्राइंग करने का भी सीखते हैं दे ऑल्सो प्ले विथ क्ले वो क्ले के साथ भी खेलते हैं दैन इट इज़ टाइम टू गो बैक होम और इतने में समय हो जाता है घर वापिस जाने का मम्मी आई लव माई स्कूल मम्मी मुझे अपना स्कूल बहुत ज़्यादा प्यारा है ईशा वनशी रिच इज होम ईशा कहती है जब वो स्कूल से वापिस घर पहुँचती है क्विक चेक द टीचर्स नेम इस टीचर का नाम क्या था आप लोग बताइए स्पीक ऑन से द नेम्स ऑफ योर फ्रेंड्स अपने दोस्तों के नाम बताइए अब नेक्स्ट इज बुक वर्क फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स ब्लैंक को फिल करें करेक्ट वर्ड्स के साथ फर्स्ट इट इज ईशास डैश डे इन स्कूल ईशा का कौन सा दिन था ये स्कूल में ऑप्शन बी फर्स्ट यानी पहला नेक्स्ट डैश इज ईशास न्यू फ्रेंड ईशा की नई दोस्त कौन थी ऑप्शन ए वर्षा नेक्स्ट दे डैश काउंटिंग दे सी ऑप्शन लर्न दे लर्न काउंटिंग नेक्स्ट दे प्ले विथ वो किसके साथ खेले ऑप्शन बी क्ले नेक्स्ट इज क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन वन इज ईशा हैप्पी टू गो टू स्कूल क्या ईशा खुश थी स्कूल जाने के लिए आंसर यस ईशा इज हैप्पी टू गो टू स्कूल हाँ ईशा खुश थी स्कूल जाने के लिए क्वेश्चन टू हाउ डज ईशा गो टू स्कूल ईशा स्कूल कैसे गई आंसर ईशा गोज टू स्कूल बाय बस ईशा स्कूल बस के द्वारा गई क्वेश्चन थ्री वट डज ईशा टेल हर मदर वैन शी कम्स बैक होम ईशा ने अपनी माँ को क्या बताया जब वो स्कूल से वापस घर आई आंसर ईशा टेल्स हर मदर दैट शी लव्स हर स्कूल ईशा अपनी माँ को बताती है कि उसे उसका स्कूल बहुत पसंद आया नेक्स्ट हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वज ईशा लव हर स्कूल ईशा को अपना स्कूल क्यों पसंद आया आंसर बिकॉज शी मेड न्यू फ्रेंड्स एंड लर्न न्यू थिंग्स इन द स्कूल क्योंकि उसने नए दोस्त बनाए और नई चीजें सीखी स्कूल में इसलिए उसे अपना स्कूल पसंद आया नेक्स्ट इज वोकेबलरी द वर्ड प्ले राइम्स विद द वर्ड क्ले प्ले क्ले वो वर्ड्स जो सेम साउंड देते हैं एट लास्ट उन्हें हम राम वर्ड्स कहते हैं मैच करना है आपको राइमिंग वर्ड्स को लाइक बाइक बुक Look, ride, hide, class, क्लास sun, fun. Next, complete the sentences by using the words given below. आपको नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और आपको सेंटेंसेस भी दिए गए हैं इनमें आपको इन वर्ड्स का यूज़ करना है और इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है और ये जो सेंटेंस हैं वो आपको अलग अलग नहीं बल्कि एक पैराग्राफ की फॉर्म में दिए गए हैं ईशा डैश अब अर्ली इन द मॉर्निंग ईशा वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग शी क्विकली ब्रशेज हर टीथ वो जल्दी से अपने दांतों को ब्रश करती है एंड टेक्स अ बात और नहाती है देन शी वियर्स हर स्कूल यूनिफॉर्म एंड कॉम्स हर हेयर फिर वो जल्दी से अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म पहनती है और अपने बालों में कंगी करती है आफ्टर दैट शी ईट्स हर ब्रेकफास्ट उसके बाद वो अपना ब्रेकफास्ट करती है एंड देन शी गोज टू स्कूल और फिर वह स्कूल जाती है

शुड ईशा शेयर हर पेंसिल विद वर्षा क्या ईशा को अपनी पेंसिल शेयर करनी चाहिए वर्षा से टैलियो टीचर अपने टीचर को बताए यस yes, ईशा यहाँ आई आए नहीं आएगा ईशा आएगा ईशा शुड शेयर हर पेंसिल्स एंड इरेजर विद वर्षा शेयरिंग इज अ गुड हैबिट हाँ ईशा को अपनी पेंसिल शेयर करनी चाहिए वर्षा के साथ क्योंकि शेयरिंग एक गुड हैबिट है गुड हैबिट यानि अच्छी आदत है शेयरिंग इज केयरिंग so students i hope you understand well for more such topics related to your book check out playlist class first english and don't forget to like subscribe and share thanks for watching